तो ये रही हमारी मारुति सुजुकी 800, और इसका आज करने वाले हम सिलेंडर हेड ओवरहॉल। तो इसको हमने काफ़ी टाइम पहले खोल लिया था, तकरीबन 6 से 7 महीने पहले इसका हेड हमने जो खोला था। तो कस्टमर ने इसका आज सिलेंडर हेड लाया है सरफेस करके, तो आज हम आपको दिखाने वाले इसका टाइमिंग किस तरीके से करते हैं और क्या क्या प्रोसेस होती है इसकी पूरी कंप्लीट फिटिंग की। और इसमें हम एक ख़ास चीज़ सीखने वाले हैं कि कई एक कार के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर आता है, जो FI डिस्ट्रीब्यूटर है, तो उसे किस पोजीशन पे लेके सेट करते हैं वो हम आपको दिखाने वाले हैं। तो हमने ये सारी चीज़ें क्लीन करके रख दी है, और ये रहा इसका टाइमिंग कवर। और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा गाड़ी ये हीट हो चुकी थी, क्योंकि टाइमिंग कवर इसका पूरा जल चुका है नीचे साइड से, देख सकते हैं। तो ये टाइमिंग कवर तो चल जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और इसके जो बाकी के पार्ट है, अल्टरनेटर बेल्ट, AC बेल्ट, और मेन पार्ट जो है इसका टाइमिंग बेल्ट, ये भी ठीक कंडीशन में है। तो ये जो सामान है, हम बाकी का कोई चीज़ डालने वाले नहीं है इसके अंदर, बाकी सब ठीक है। और ये रहा हमारा ब्लॉक, तो हम इसे अच्छी तरीके से क्लीन करने वाले हैं। थोड़ी धूल मिट्टी इसको बैठ चुके, तो अच्छी तरीके से क्लीन कर लेंगे। देखिए कितनी ज़्यादा मिट्टी बैठ चुकी है इसके ऊपर, पूरी धूल मिट्टी है। तो इसे हमें अच्छे तरीके से क्लीन करना है, और इसके ऊपर हम डीजल वगैरह लगा के थोड़ी देर रहन देंगे, ताकि जो इसकी वजह से जो डस्ट पार्टिकल जो अंदर गए हैं सिलेंडर पिस्टन में, लाइनर वगैरह में, तो वो अच्छे तरीके से निकल जाए हमारे पार्टिकल्स। आप देख सकते हैं हमारा जो पिस्टन वगैरह है और सिलेंडर ब्लॉक है, वो अच्छी तरीके से क्लीन हो गया है। और आप कभी भी आधा इंच रखना है आपको, ताकि जब भी आप सिलेंडर हेड लगाए तो उसको आपको जो फर्स्ट नंबर का पिस्टन है वो आधा इंच पे रखना है। और आप देख सकते हैं जो हमारा सिलेंडर हेड है उसको क्लीन और सरफेस एकदम प्रॉपर करके ले लिया है हमने। तो अभी इसे हमें सिलेंडर हेड को असेंबल करना है, इंटेक मैनिफोल्ड और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड लगा के। तो ये रहा इसका इंटेक मैनिफोल्ड, और इसको हमें पैकिंग लगा के हल्का सा एनाबॉन्ड लगा के लगा देना है। और ये रहा इसका एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, तो इसको एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पैकिंग लगा के हमें इसे लगा देना है। और जो बोल्ट है 12 नंबर के, उसको अच्छे से टाइट कर देना है। और ये हो चुका है हमारा सिलेंडर हेड असेंबल। तो इसके बाद लगाना होता है हमें डबल पिन, जो हमारे ब्लॉक के अंदर लगती है। और ये रहे इसके सिलेंडर हेड गैस्केट, तो इसे हमें थोड़ा सा ऑयल लगा के ले लेना है, क्योंकि ये पेपर एलिमेंट की होती है, तो इसे हमें ऑयल लगाना ज़रूरी है, जिससे हमारा कार्बन डिपॉजिट से अच्छे से चिपक जाए। और आपको कुछ इस तरीके से रखना है, और ये जो होल देख रहे हैं आप, उसमें ये आप कॉपर के इसमें रखना है उसे, ऑयल का होल के साथ। तो अब लगाने वाले हैं हम इसका सिलेंडर हेड। तो आपको एक बार देख लेना है सरफेस वगैरह पे कुछ चीज़ लगी है या नहीं, और इसके बाद आपको सिलेंडर हेड इस पर अच्छे तरीके से इंस्टॉल कर देना है। काफ़ी आपको केयरफुल तरीके से इसे रखना होता है सिलेंडर हेड को, नहीं तो हमारा डैमेज हो सकता है। तो ये लग चुका है हमारा सिलेंडर हेड, और ये रहे इसके 8 mm के LK हेड के बोल्ट्स। तो इसे आपको ऑयल लगा के फिट करना है, और हल्के हाथों से इसे टाइट कर देना है सभी बोल्ट्स को। तो सारे बोल्ट हम एक सरी के मिला देंगे पहले हल्के हाथ से, ज़्यादा टाइट नहीं करना है आपको बोल्ट।
और ये रहा हमारा टपारिया का टॉर्क रेंज, तो इसे सेट करते हैं हम 45 Nm मीटर टॉर्क पे। तो ये हो चुका है हमारा 45 Nm मीटर टॉर्क पे सेट। और जहाँ पर टपारिया लिख के वो आपको ऊपर साइड रखना है नेम, और उसका एरो आपके साइड आएगा। तो इसी तरीके से आपको इसके बोल्ट टाइट करना है। इसके बाद हम 65 Nm मीटर टॉर्क पे सेट करेंगे टॉर्क रेंज, और फिर से हम इसके ऊपर एक बार हाथ मारेंगे ताकि हमारे बोल्ट अच्छी तरीके से टाइट हो जाए। तो आपको एक एक करके सभी बोल्ट को 65 Nm मीटर से टाइट कर देना है ताकि हमें इसके बात कर रहे हैं हम 75 Nm मीटर टॉर्क से बोल्ट टाइट। तो ये हमारा लास्ट है, इसके बाद हम टॉर्क रिंच नहीं मारेंगे। ये सारे बोल्ट आपको धीरे धीरे से ही टाइट करना होते हैं। तो इसी तरीके से आपको सभी बोल्ट को टाइट कर देना है, और इसके बाद लगाने वाले हैं इसकी कैमशाफ्ट। तो इस पर थोड़ा सा हमें लगा लेना है ऑयल, और जिस पे हमें रखना है उसके ऊपर भी आपको जो टाइपेट रॉकर है वो भी आपको अच्छे से एक बार चेक कर लेना है कि टाइपेट रॉकर वगैरह ठीक है या नहीं। और इसके बाद लगाना है हमें इसे डॉवल पिन, जो हेड में पूरी तरीके से इसे लगाना होती है। तो सारे डबल पिन लगने के बाद रख देना है हमें कैमशाफ्ट। इधर इधर। और जो कैमशाफ्ट के ऊपर जो नॉब है वो आपको ऊपर साइड आएगा, और ये रहे इसकी कैप्स जिससे हमारी जो कैमशाफ्ट है वो होल्ड होके रहेंगी। और ये रहे इसकी लास्ट में ऑयल सील लगाना है इसके अंदर। ये लग चुकी है हमारी ऑयल सील। और इस पर लगा देना है थोड़ा सा एना बॉन्ड जिससे हमारे कैप लीक ना हो। और इसके बाद लगाने वाले हम इसकी कैप, और एक कैप लगाने के बाद हमें सभी बोल्ट्स को टाइट कर देना है 8 mm के। तो हमारी कैमशाफ्ट टाइट हो जाने के बाद हम लगा रहे हैं इसके ऊपर रॉकर आर्म सेट। ये लग चुके हैं हमारे रॉकर आर्म सेट, और इसके बाद लगाने वाले हैं इसमें कैमशाफ्ट पुल्ली। जो डावेल है आपकी ऊपर साइड आएंगी, और उसके बाद ही आपको लगाना है इसका बोल्ट। अब आपको सेट करना है कैमशाफ्ट का टाइमिंग मार्क। तो आप देख सकते हैं एक ऊपर एक एरो दिख रहा है, वो
आपको एरो के पास आपको एक एरो है जिसके ऊपर आपको इसकी लाइन मिलाना होती है कैमशाफ्ट पुल्ली की। तो आपको दिखाता हूँ किस तरीके से इसे मिलाना है। तो ये जो लाइन है आपको ये लाइन डायरेक्ट उसके ऊपर सिलेक्ट करना है। तो ये दिख रही है आप लाइन, तो ये लाइन आपको इस पर स्ट्रेट रखना है। तो ये हो चुका है इसका कैमशाफ्ट का टाइमिंग और आपके फर्स्ट पिस्टन के जो रॉकर आर्म है वो फ्री रहेंगे। तो आपको कुछ इस तरीके से मिलाना है लाइन टू लाइन। और इसके बाद मिला रहे हैं हम इसका क्रैंकशाफ्ट का डॉट टू एरो। तो ये हो चुका है हमारा टाइमिंग। इसके बाद लगाने वाले हैं हम इसका टाइमिंग बेल्ट। और ये रहा इसका एडलर टेशनर जो टाइमिंग बेल्ट को हमें टाइट कर देगा। इसमें एक रॉड डाल के आपको जो टेशनर है उसे थोड़ा टाइट कर देना है। उसके बाद आपको इसके 6 नंबर से एल की से बोल्ट टाइट कर देना है, फुल टाइट कर देना है। तो ये चुका है हमारा टाइमिंग। और ज़्यादा बेल्ट टाइट ना रहे आपका और ज़्यादा लूज़ भी ना चाहिए, एकदम मीडियम साइज़ में आपको रखना है। दे चुका है हमारा टाइमिंग बेल्ट फिक्स हो चुका है। अब इसका मेन पार्ट आया है डिस्ट्रीब्यूटर। तो डिस्ट्रीब्यूटर अगर सेट नहीं होगा आपका तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाएंगी, मिस फायरिंग करेंगे और गाड़ी हीट भी होंगी। तो इसका ये मेन पार्ट है, सबसे मेन पार्ट डिस्ट्रीब्यूटर। तो आपको दिखाता हूँ इसका किस तरीके से टाइमिंग होता है। तो सबसे आप पहले आपको खोल लेना इसके 8mm के बोल्ट। तो आपको दिख रहा है कि एक नंबर आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये 1 नंबर, ये 1 नंबर आपका जो प्लग है ये फर्स्ट नंबर पे जाने वाला है। और आपको दिखाता हूँ इसका टाइमिंग कैसा होता है डिस्ट्रीब्यूटर का। तो आपको ये जो एरो दिख रहा है वो एरो आपको एक डॉट पर सेट करना है जो सेंटर का डॉट है। तो ये डॉट पर आपको ये एरो रखना है। तो ये एरो आपको ये डॉट पे रखना है बीच वाले इस पे। और ये साइड में इसकी एक पिन है, इस पर भी नहीं रखना है आपको। और इस साइड भी ये पिन है, इस पर भी नहीं रखना है आपको। जो बीच का होल है उसके ऊपर ये एरो पे फिक्स करना है। तो इसका डिस्ट्रीब्यूटर का टाइमिंग हो चुका है ये। और आपको ये अभी डिस्ट्रीब्यूटर कैप खोल के दिखाता हूँ कौन से पोजिशन पर ये आया है अभी। तो आप देख सकते हैं जो इसका एरो है ये फर्स्ट पिस्टन के ऊपर स्पार्क करने के ऊपर है। तो इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर का टाइमिंग मिलाते हैं। देखिए कुछ इस तरह से आएगा, ये लग गई हमारी कैप और ये इस साइड आएगा। जब हम डिस्ट्रीब्यूटर डाल देंगे हेड के अंदर तो आपका एकदम एक्यूरेट आ जाएगा टाइमिंग पर। तो इसी तरीके से आपको मैच करना है डिस्ट्रीब्यूटर और जो आपका टाइमिंग है वो टाइमिंग आपको इसी तरीके से रखना है। और ये टाइमिंग के ऊपर आपको ये डिस्ट्रीब्यूटर है इंस्टॉल कर देना है। कुछ इस तरीके से हम डाल देंगे और आपको जो सेंटर है उसका एकदम सेंटर में रखना है। जो बोल्ट्स आपका डिस्ट्रीब्यूटर जो एडवांस रिटायर होता है वो बोल्ट के सेंटर में आपको ये रखना है। और ये लग चुका है हमारा डिस्ट्रीब्यूटर। और आप देख सकते हैं जो टाइमिंग का हमारा मार्किंग है वो एकदम परफेक्ट आ गया है। तो इस तरीके से इसको सेट करना होता है। और ये जो आपका एरो है ये बोल्ट के सेंटर में आ चुका है 8mm के। तो ये हमारी कार का टाइमिंग जो है परफेक्ट हो चुका है।
कुछ इस तरीके से इसकी कैप लग जाएंगी। ये रही कैप, और आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये यहाँ पर आने वाला है इसका स्पार्किंग टाइम। तो हमारा गाड़ी जो स्टार्ट हो चुकी है, और उसके बाद आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आपको इसका डिस्ट्रीब्यूटर सेट करना है। तो ये 12-12 नंबर का बोल्ट है, इसको ढीला करके आपको सेट करना होता है डिस्ट्रीब्यूटर। तो जहाँ पर आपकी गाड़ी वाइब्रेशन कर रही है, ज़्यादा वाइब्रेशन कर रही है, तो वो रिटायर टाइमिंग पर है, और आपकी जो गाड़ी जहाँ पर ज़्यादा रेस हो रही है वो एडवांस टाइमिंग है। तो आपको ज़्यादा एडवांस भी नहीं करना है, ना ज़्यादा रिटायर करना है, आपको एकदम सेंटर में रखना है, जाके आपकी जो स्टार्टिंग वगैरह और गाड़ी गर्म भी ना आए। तो इस तरीके से आपको जो इसका टाइमिंग है वो सेट करना है। तो देखिए हम कर रहे हैं इसको सेट। ये हो चुका है हमारा डिस्ट्रीब्यूटर सेट। आप देख सकते हैं आप जो गाड़ी हमारी एकदम आइडल कंडीशन में परफेक्ट आ चुकी है, वाइब्रेशन भी नहीं है, और काफ़ी अच्छे तरीके से ये मेंटेन कर पा रही है गाड़ी। तो इसी तरीके से आपको डिस्ट्रीब्यूटर का टाइमिंग जो सेट करना होता है। तो एक बार आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो इसी तरीके से आप जो भी गाड़ी में डिस्ट्रीब्यूटर डेल्को रहता है, तो इसी तरीके से आप इसे सेट कर सकते हैं। ये काफ़ी इजी तकनीक है डिस्ट्रीब्यूटर सेट करने की, जिससे आपकी गाड़ी एकदम परफेक्ट हो जाएगी।